ये कौन थे? उसी उरवा बिन मसूद सफी के भतीजे थे, सगे भतीजे।
भतीजा आशिक रसूल है और चाचा दुश्मन रसूल है। अब आया बात करने के लिए, सुलह की बात, जंग के लिए नहीं। हुजूर से दाढ़ी पकड़ करके जब बात करने लगा तो मुगैरा बिन शोबा को बुलाना था, तलवार उठाई और तलवार के मोंढे से हाथ को मार दिया, कहा हाथ नीचे कर ले। उरवा बिन मसूद ने कहा मैं तुम्हारे नबी के साथ तौहीन के लिए नहीं, मेरी बात करने की आदत है दाढ़ी पकड़ करके, मैं सबसे यूं बात करता हूँ। मुगैरा बिन शोबा ने कहा तू सबसे करता होगा, ये सब में नहीं है, ये अल्लाह का रसूल है। तलवार के मोंढे से हाथ को मारा और कहा चाचा खबरदार, इसके बाद अगर तू दाढ़ी तक हाथ उठाकर बात करेगा याद रख लेना कि तेरे दाढ़ी से हाथ जुदा हो चुका होगा। ये थी सहाबा की उल्फत कि उन्होंने नबी की तरफ हाथ उठाकर बात करने वाले को भी गवारा नहीं किया, जबकि वो कह रहा है कि मैं तौहीद के लिए नहीं बात करने के लिए, सहाबा उसको भी बर्दाश्त नहीं करते। इस तरह से भी बात ना करो मेरे नबी के साथ कि तुम हाथ उठा करके बात करोगे। ये आज हमारी हालात ऐसी है मेरे नबी, वो तन्हा सहाबी काफिरों के एलची को तलवार के मोंढे से मार कर नीचे कर दे, हम 25 करोड़ मेरे नबी की शान में गायब सुनकर खामोश रहे, तो फिर आजाब आना है, फिर आजाब आएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी राहतें खत्म करवाएगा, बरकतें खत्म करवाएगा। जिस कौम को अपने नबी से कोई वास्ता ना हो, जो कौम दूसरों को अपना आइडियल बनाने पर तुली हुई हो, उस कौम को नुसरत इलाही कब मिलनी, अल्लाह की मदद कैसे आती। वो अल्लाह की मदद आती 5,000 फरिश्ते भी उतरते, लेकिन कौन से लोगों के लिए। अल्लाह अकबर, बद्र के मैदान में, बद्र के मैदान निहत्ते सहाबा हैं जिनके पास तलवारें नहीं, वो लकड़ियों से लड़ने के लिए आ गए हैं बद्र के मैदान में। रात में मेरे आका ने फरमा दिया 313 लोगों को कि देखो मेरा मुकाबला मक्का वालों से हो रहा, तुम अगर चाहते हो तो यहाँ से वापस जा सकते हो, तुम में से जिसकी मर्जी हो जा सकता, मैं जबरदस्ती तुम्हें जंग में नहीं सौंपना चाहता। सहाबा से मशवरा ले रहा था कि तुम्हारा क्या ख्याल है। मेरे अजीजों, ये वो सहाबा थे जो अपनी मसलहतें देख करके, मेरी भी बीवी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा परिवार है ना, सहाबा खड़े होते हैं करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम बनी इसराइल नहीं है, हम उम्मत मुहम्मदिया। बनी इसराइल थे जो मूसा अलैहि सलाम और हज़रत हारून को ये कहते थे कि आप जाओ आपका खुदा और आप लोग मिल करके लड़ो काफिरों, हम यहाँ बैठ करके देखते रहेंगे। बल्कि उसमें हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे जबकि हमारे जिस्म का खून का आखिरी कतरा ना गिर जाए। ये सहाबा जब छमे रहते थे मैदान में, उन्हीं के हालात तो हैं जिसमें कुरान ने भी बताया है वो ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा, इनको हिला दिया गया आजमाइश में, फिर भी ये नबी को छोड़कर हटे नहीं थे। खंदक के मौके पर ये खंदक खोदते खोदते महीना गुजर गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 400 या 500 सहाबा के साथ खंदक की खुदाई में लगे और सामने काफिरों का इतना बड़ा लश्कर, 10,000 से ज्यादा का लश्कर, और सहाबा की कैफियत मैं आपको बता रहा हूँ, निहत्ते हैं, खंदक खोद रहे हैं, मट्टी उठा रहे हैं, पत्थर ले जा करके डाल रहे हैं, और भूख की शिद्दत ऐसी कि हदीस में है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर एक खजूर आती तो एक खजूर को चूस कर देते तो 10 सहाबा उसी पर कनात करते थे, 10 सहाबा सिर्फ एक खजूर पर गुजारा कर लेते थे, और जो सामने फौज थी 10,000 का लश्कर जिनके यहाँ रोटियां पक रही हैं, सालन पक रहे हैं, गोश्त भुना जा रहा है, बोटियों की खुशबू आती थी रात भर, और हदीस पाक में मिलता है ये 500 सहाबा में से एक सहाबी ने भी मेरे नबी से गद्दारी नहीं की कि रसूल सो रहे हैं चलो वहां से जाके रोटी लेके आ जाए, हुजूर आराम कर रहे चलो एक बोटी मांग करके ले आए काफिरों के खिमे से, वो जमे रहे यहां तक के उनकी खुशबुएं आती रही खाने की, और सहाबा के पेट पर पत्थर बंधे हुए थे, खुद मेरे नबी के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए थे, कोई उस तरफ मुंह तक नहीं किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा
है मेरे साहब, यकीनन भूख की शिद्दत और उनके खानों की खुशबू में परेशान कर रही होगी, ख्वाहिश तो हो रही होगी। सहाबा क्या मसल में कहते हैं, ऐ आका खाने के लिए अगर आपके साथ आए होते तो कब के बिक चुके होते, हम तो ऐ रसूल पाक आपके साथ जन्नत लेने के लिए आए हैं, हमें उनके खानों से क्या मतलब है, उनकी रोटियों से क्या मतलब है। आज मैं यही चाहता हूँ मेरे अजीजों, तुम्हारा अपना खीमा क्यों ढूंढ गया, आप दूसरों की पार्टियों में क्यों शामिल हो गए, जगह जगह मुसलमान नारे लगाते हुए इसकी जय उसकी जय, ये हम तो देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात को, हमारी अपनी क़यादत तो खत्म हो गई है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, सब जगह मुसलमानों की टोलियां। इसीलिए सैयद मिल्लत ने पहले ही नारा लगा करके हमें कहा था, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा यार हमें सिर्फ इसी बात पर रहना चाहिए था कि हमारी पार्टी तो सिर्फ रसूल पाक ही है, हम बिकने वाले नहीं है, या अब आधार कार्ड के नाम पर खरीदा जाएगा, इलेक्शन कार्ड के नाम पर खरीदा जाएगा। ऐ मेरे अजीज साथियों, उन सहाबा की तारीख को एक बार पढ़ लेना, वो दस दस दिन की भूख के बावजूद भी रोटी और बोटी पर मेरे नबी का खीमा नहीं छोड़ते थे। तो तुम आज सिर्फ एक वोटर आईडी और आधार कार्ड की बुनियाद पर क्या अपने नबी का दीन छोड़कर उनकी रजा के लिए चले जाओ, हर किस नहीं के सौदा होने ना देना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबा जिन्होंने अपनी पूरी कुल जिंदगी ये समझ लिया था कि अगर रसूल राजी है तो इसी का नाम दीन है, इसी का नाम दीन है। और खंदक के मौके पर घमासान की जो कुछ भी इनके साथ मामला हुए, सहाबा के पलट रहे थे, जख्मी थे, कुछ के हाथ कटे हुए, रगे कट कर गए और खून के फवारे भी जारी हैं, कुछ सहाबा के वापस मदीने की तरफ आ रहे थे, जिब्राइल अमीन ने आकर के पैगाम दिया, ऐ रसूल पाक बनू नुज़ैर यहूदियों का कबीला है, वो मदीने पर हमला कर रहा है और अल्लाह ताला चाहता है कि आप यहीं से दूसरे जिहाद में चले। महीना भर मशक्कत उठाकर खंदक में खड़े रहे सहाबा, बीच रास्ते में पहुंचे और हुक्म आ गया कि दूसरे जिहाद। मेरे अजीजों, ये किसी ग्राउंड में जलसे के लिए नहीं बुलाया जा रहा है कि आप जाके नारा लगाए, जान हथेली पर लेकर जाने वाला जिहाद का मसला मैं बता रहा हूँ। आज के जमाने में तो लफ्ज़े जिहाद बोलने से भी लोग घबरा रहे हैं, मुझे इस बात से कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। दीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लफ्ज़ मैं दंगे की चोट पर बोलता रहूंगा, चाहे इस पर मेरी गर्दन मानी जाए, इससे कोई हमें डर नहीं। सहाबा इकराम बीच रास्ते में आए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल थके हुए हैं, इनके जख्मों को देखो, कपड़े उधर चुके हैं और ये अभी मदीना पहुंचे नहीं, बाद में उनसे निपट लेंगे बनु नुज़ैर। जिब्राइल अमीन ने कहा, अल्लाह की मंशा तो ये है कि आप यहीं से चले। हुज़ूर ने फरमाया, मैं अपने सहाबा से पूछ लूं। सारे सहाबा से कहा, है सहाबा जिब्राइल अमीन आए हैं, अल्लाह का हुक्म है कि यहीं से बनु नुज़ैर के मुकाबले में जाना है, क्या मशवरा देते हो। वो जो जख्मी सहाबा जो जख्मों से चूर चूर थे, अचानक गर्दने उठाते हुए कहते हैं, या रसूल अल्लाह देर किस बात की, चले यहीं से, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम में से कोई घर नहीं जाएगा, ना किसी की बीवी से बात करनी है, ना बच्चों को सलाम करना है। ये थी जिसको इकबाल ने कहा था, मुस्तफा रसा खैश रा के दिया माउस, हुजूर के तक अपने आप को पहुंचा दिए, यही दीन है। वो जवान हमारा आज का जो मदीने तैयबा में उहद की जंग का ऐलान हो गया, रातों रात ऐलान हो रहा है मदीने में कि मक्का के कुफार आकर मदीने पर हमला कर रहे हैं रसूल पाक की इज्जत पर और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए, हजारों की तादाद आ गई है। चलो मदीने वालों, हंजला एक साल की ऐसी जो आज ही शादी करके आया, शादी आज भी अपनी दुल्हन को ले रहा है, सुहाग रात आधी रात को जब कानों में आवाज पड़ी तो बीवी से कहा, मैं जा रहा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा हूँ, अगर नबी की बात सुन करके बिस्तर पर सोया रहा तो जिंदगी भर की लानत मेरे ऊपर आएगी। शरीक हयात ने ये नहीं कहा कि अरे आज की दुल्हन हूं मैं, नए नए दूल्हा कहां छोड़े जा रहा, ना वो दिले और खवातीन थी, उन्होंने कहा अलविदा भी सभी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, के रास्ते में जाओ और कहा कि जाए आप सही सलामत वापस आएंगे तो फख्र करूंगी कि गाजी की बेवा बीवी हूं, और अगर चले गए अल्लाह की बारगाह में और ना करना उस वक्त भी मैं फख्र करूंगी कि शहीद की बेवा। ये खातून के जवाब मेरे अजीजों, उस दिन ऐसी आ गई आज हमारी कौम, हर चीज से खौफ, हर चीज से डराया जा रहा है, अंदर आ गए भी और जंग में शहीद भी हो गए। वाकया मालूम होगा आपको,
हुसैन अल मलाइका जिनको कहा गया है, ऐ मेरे अजीजों वो सहाबा थे जो मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सिर्फ जुबानी नहीं कहते थे कि हमारी जान फिदा है, बल्कि वो अमली मैदान में पेश करके दे देते थे, पेश करके देते थे। हजरत अनस बिन नुदैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऐसे रास्ता कि वो अपने घर वालों को भी अपने राज में शामिल नहीं करते अगर नबी कोनैन की बात है, और उहद के मैदान में वो तशरीफ लाए, ऐसा मुकाबला किया कि हजरत अनस बिन नुदैद का खीमा बना दिया गया, कुछ कोई पहचानने वाला तक नहीं था, आपकी लाश को मस्त कर दिया, सिर्फ उंगलियों के पोरे से उनकी बहन ने उन्हें पहचाना कि मेरा भाई है अनस बिन नुदैद। और कुरान ने उन्हीं के बारे में कहा रिजालुन सदकुमा अल्लाह अलैह, कुछ मर्द ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा दुनिया में पूरा कर दिया, सुभान अल्लाह, अपने नबी के लिए वो खड़े रहे मैदान में। आज मेरे अजीजों हालात इस बात की तरफ में आमादा कर रहे, छोड़ो अपने आपसी इख्तलाफा, छोड़ो अपने आपस की गरेबान को खींचतानी करना, इत्तेहाद के साथ खड़े हो जाओ, इसलिए कि हम सब का नबी एक है मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या तुम्हारे नबी अलग हैं? बरेली के नबी अलग है, अजमेर के नबी अलग है, फला के नबी अलग है, सब के नबी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामों से रिसालत की बात पर आज हर एक का खून बराबर जोश मारना चाहिए, तभी हम समझते हैं कि आपके अंदर ईमान बाकी है। एक हदीस सुनाता हूँ, वक्त की किल्लत के एतबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, करीब कयामत के तुम देखोगे मेरी उम्मत पर सारी कौमें झपट पड़ेंगी जैसे भूखा बर्तन पर झपटता, सारी कौमें तुम्हें टारगेट बनाएंगी। सहाबा ने पूछा ऐसा क्यों हो गया रसूलुल्लाह, क्या तादाद में हम कम होंगे? हुज़ूर ने फरमाया तादाद में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि बहुत ज्यादा होंगे कम, लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह होगी। समंदर का झाग यानी वो पानी नहीं होता, कफ होता है, हवा आए उड़ जाए, तो तुम्हारी हैसियत इतनी होगी, प्यूरिटी अंदर से ईमान जा चुका होगा, तादाद कसरत से होगी। सहाबा ने पूछा आका ऐसा क्यों होगा, और हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह तुम्हारे दिलों पर काफिरों का रौब डाल देगा, डर के मारे तुम दबे रहोगे, डर के मारे खौफ के मारे डरे होंगे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। सहाबा ने पूछा हुज़ूर ऐसा क्यों होगा मोहम्मद के साथ? मेरा आका फरमाते जब दो चीजें इनके दिलों पर आ जाए तो समझ लो कि ये सब खौफ ज़दा हो जाएंगे और काफिरों को अल्लाह इनके ऊपर मुसल्लत कर देगा। वो दो चीजें क्या है तवज्जो चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, जब दुनिया को बहुत ज्यादा पसंद करने लग जाए, दुनिया में मुलव्विस हो जाए और मौत से भागने लगे, मौत से डर के फरार होने लगे, ये दो चीजें जब मेरी उम्मत में आ जाए तो समझ लो कि अल्लाह इनके दिलों पर काफिरों का रौब डाल देगा। यही दो चीजें आज हम बर्बाद किए जा रहे हैं, हर एक दुनिया के पीछे इतनी तेजी से भाग रहा है, उसे ये मालूम ही नहीं है कि कब्र में रसूल पाक को मुंह दिखाना है। लोग आज इस कदर भागते हैं मेरे अजीज, और क्या आपने जनाजे नहीं देखे, अपने हाथों से दफन नहीं किए लोगों को? क्या कब्रस्तानों में कब्रें आग की तख्तियां बंद नहीं की है? आपका यकीन नहीं है कि कब्र में सवाल होंगे? सबको मालूम है, तो फिर उस दिन की तैयारी को छोड़कर अपने शादी ब्याह अपने घर बार अपनी प्रॉपर्टी अपनी जायदाद के लिए खून पसीना एक करने पर लगते हैं। इतनी मसरूफियत दुनिया की तुम्हारे ऊपर आ गई कि रसूल पाक की तमाम सुन्नतें अपने जिस्मों से भी उखाड़ कर फेंक दी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों को घर से निकाल दिया। मैं जुमले सख्त बोल रहा हूँ, यकीनन कड़वे होंगे, माजरत चाहता हूँ, इसलिए कि बहुत अच्छे अंदाज में हाली ने कहा था, ऐ खास ऐ खासा ने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरे वक्त अजब आग पड़ा है, और जो दीन बड़ी शान से निकला था आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा, आज वो दीन गरीबुल गुरबा, हमारे ही घरों में इस्लाम अजनबी हो गया, इस्लाम अजनबी हो गया। मेरे अजीजो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए थे वो पूरी दुनिया पर गालिब करने के लिए, पूरी दुनिया पर गालिब, आप उम्मत मुस्तफा हो जिसको कुरान ने कहा खैर उम्मत हो, आप खैर उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, आपको ये चाहिए था कि पूरी दुनिया में अपने अखलाक की छाप बिठा दे, हुजूर के अखलाक की ऐसी छाप बिठाए कि दूसरे आपकी तकलीफ करने लगे, ये नहीं कि आप किसी और की गुलामी करें, आप किसी और की गुलामी पर आगे ना जाए,
लेकिन मेरे अजीजों में एक सवाल आपसे करता हूँ, इस्लाम दीन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर हाजिर होता होगा आज, और हुजूर से अर्ज करता हूँ, ऐ आका जिस दीन को आप अपनी उम्मत के दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए ताइफ में पत्थर खाए, ऐ रसूल पाक इसी दीन को फैलाने की गरज से आप मेरे हमजा का कच्चा चबाया हुआ कलेजा देखा, आपने अपने नौनिहाल नवासों की कुर्बानी दे दी, आज उसी दीन को आपकी उम्मत ने अपने घरों से दूर कर रखा। अगर इस्लाम ने ये शिकायत की मेरे आका की बारगाह में, मेरे अजीज को बताओ ये फिक्र का लम्हा है या नहीं? मेरी बात अगर कड़वी लगती है तो मैं हर जवान से कहूँगा आप अपने घर जाओ, इस्लाम कहाँ है तुम्हारे पास दे। नौजवान तो अपने चेहरे पर इस्लाम नहीं चाहता, अपने लिबास में इस्लाम नहीं चाहता, हुजूर की सुन्नतें नहीं चाहता, इस्लाम किसके लिए आया? तुम्हारे लिए। घरों में आप इस्लाम नहीं चाहते, कुरान की कितनी तिलावतें हो रही हैं अपने घरों में? मेरे आका ने फरमाया जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वहाँ मुर्दे रहते हैं, वहाँ मुर्दे रहते हैं। तो सबको तो बाहर निकाला, क्या चीज लाई? अंग्रेजों की तमाम चीजें अपने अंदर ले आए। इसीलिए एक बार ने कहा था कि एक बहुत बड़ा अंग्रेज है, उसने अपने बेटे से नसीहत की थी कि इन मुसलमानों को गुलाम बना दो, खत्म कर दो, तो उसके बेटे ने कहा ये हो नहीं पाता, इनको जितनी भी ताकत से मारो फिर ये खड़े हो जाते हैं, इनके अंदर कोई तो ताकत है। तो उस अंग्रेज ने क्या कहा जानते हैं कि ये बच्चों को कत्ल करो, मारो, सब कुछ करो फिर खड़े होते हैं, इसका एक ही इलाज है, इसका एक ही इलाज है। उसकी तर्जुमानी करते हुए इकबाल कहता है ये वाका कश मौत से डरता नहीं जरा, भूखा रहता है मुसलमान, खाता पीता नहीं है लेकिन मौत से डरता भी नहीं है, सीना से पर होकर खड़ा रहता है, इसको मारना है तो क्या करोगे? ये वाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। उसने कहा था रूहे मोहम्मदी है इसके अंदर, वही इसको बार बार खड़ा करती है, इसको खत्म कर दो। अरब को देखे अजम के तखयुलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल, ये दो चीजों पर उसने कहा एक मुसलमान के दिल से रूहे मोहम्मद निकाल, फिर ये खाली हो जाएगा, इसको उठने की ताकत नहीं रहेगी। आज इसी पर पूरी दुनिया काम कर रही है, पूरी दुनिया काम कर रही है। आज जो सोशल मीडिया की बात मैंने कहा, मेरे नबी की शान के खिलाफ जो पोस्टें आ रही हैं वो सिर्फ ईमान की गर्मी नापने के लिए, अब इन 25 करोड़ में कितना क्या अंतर रूहे मोहम्मदी बाकी रही ये दामा जा रहा, देखा जा रहा। ऐ मेरे अजीज, आज अगर आप मुतालबा करते हो, मैंने आज से तकरीबन एक महीने पहले ये ऐलान किया, मैं अपने पर्सनल बात अर्ज कर रहा हूँ, जहाँ किसान अपनी खेती बाड़ी को लेकर के आंदोलन कर सकते हैं, जहाँ लोग अपनी नागरिकता के लिए सवाल कर सकते हैं हुकूमत से, एक मुसलमान ये क्यों नहीं कह सकता हुकूमत हिंद से कि आप ये भी कानून पास करो कि रहती दुनिया तक हिंदुस्तान में कोई मेरी नबी की शान का भोग नहीं सकता, ये कानून क्यों नहीं बनाते सिर्फ मेरे नबी के लिए, नहीं आप अपने देवी देवताओं के लिए अगर बना दो तो बना लो, ताकि हम ना किसी को कहते हैं और ना अपने मुताबिक सुनना चाहते हैं, हम ना गाली देने वाले, हम किसी के देवी देवताओं को गाली देने वाले नहीं है, इसलिए कि हमें कुरान ने मना किया है। लेकिन साथ में ये भी याद रख लो किसी को गाली नहीं देते इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने नबी के शान में गाली सुनना पसंद करते हो, हर किस नहीं। तो फिर हालात ये होंगे, हम अपनी जाने कुर्बान करने के लिए रास्तों पर भी आ जाएंगे, हम अपने बच्चे मेरे आका की मोहब्बत में पेश करने को तैयार भी हो जाएंगे, लेकिन हालात के बिगड़ने से पहले मेरा ये मुतालबा जरूर रहेगा, ऐ मुसलमानों किसान अपने आंदोलन करें ठीक है, आप अपने कपड़े लत्ते के लिए आंदोलन करें ठीक है, लेकिन एक सच्चे मुसलमान का मुतालबा यही होना चाहिए कि रहती दुनिया तक मेरी इस सरजमीन पर मेरे नबी के खिलाफ कोई गाली मैं सुनना पसंद नहीं कर सकता। आप इस तरह के कानून बनाएं, इसके लिए अगर हम जैसों की जान की जरूरत है तो मैं कहता हूं मैं हाजिर हूं, मेरी जान दे दो और कानून बनाओ, कानून बनाओ। मेरे अजीज ये हल्का मसला नहीं है, आप इसको सोच रहे हो कि हल्का हल्का मसला नहीं है। इमाम मालिक ने फरमाया, इमाम दारुल हिजरा ने, कि अगर उम्मत ऐसे जमाने में खामोश रही जब नबी को इनकी गालियां दे रही दी जा रही हों तो हुक्म क्या है जानते हैं? इमाम मालिक फरमाते हैं पूरी उम्मत को जमीन पर रहने का हक नहीं, जमीन फट जाए और ये अंदर धस जाए, ये हल्का मसला नहीं है।
इसको अगर हल्के में अगर कोई लेता है, इसको इस तरह से क्यों बयान किया जा रहा? मैं तो उलमा से कहूंगा कि तुम पूरे के पूरे इस पर बयान करो। देखो, एक बार अगर मुसलमान अपने नबी की इज्जत को सीरियस लेने लग जाए तो तुम्हारी इज्जत अल्लाह चांद तक पहुंचा। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसाल, हजरते शान मुस्तफा, हजरते शान मुस्तफा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला। हम इस लायक नहीं है कि आज हमारे नाम के नारे लगाए थे। कल बरोज़ क़यामत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जवाब देना होगा कि तुम अपनी तारीफ करा रहे थे जबकि मेरी शान में गालियां दी जा रही थी। मेरे अज़ीज़ों, हमें हक नहीं बनता आज हमारी अपनी तारीफ करने का। बहरहाल ये मोहब्बतें आपकी मैंने तमीन करना मुझे जरूरी था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो सहाबी आई थी, अगर कल क़यामत में वो हमारा दामन पकड़ ले। एक सहाबी ऐसी आई मेरे आका की बारगाह में, दो साल का बच्चा लेकर, आका आप जिहाद में जा रहे, मेरे दो साल के बच्चे को भी ले लो। दो साल के बच्चे को दूध पीता हुआ मेरे आका ने फरमाया इसका क्या होगा? खातून कहती है सबों ने अपने जवानों को भेजा, मेरे घर कोई जवान नहीं, मेरे घर कोई जवान नहीं सिवाय दो साल के बच्चे का, इसका क्या होगा? खातून कहती है मैं जानती हूँ मेरा बच्चा लड़ नहीं सकता, किसी मुजाहिद साहबी के हाथ में दे दे, काफिरों की तरह से अगर तीर चले तो मेरा बच्चा ढाल तो बन सकता है, मेरा बच्चा ढाल बनाने के काबिल हो सकता है। जिन माँ ने अपने बच्चों को मेरे आका पर वार दिया, और कल हमें पूछा जाए दोस्तों अपने खानों में मस्त थे, अपने पहनने में मस्त थे, तो अल्लाह ने बहुत नियामतें दी थी, और वो साहब फटे पुराने कपड़ों पर भी मेरे नबी की इज्जत पर हाथ आने नहीं देते, और कोई उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ऐ अज़ीज़ा ने ग्रामी उठा, लौटो वापस उसी दौर पर जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की थी। आपको मैं एक हदीस सुना दूं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत पर ज़िल्लत मुकर्रर हो जाएगी, कब? उसके आदेश के अल्फाज कि जब तुम सूद का लेन देन शुरू कर दो और सिर्फ खेती बाड़ी में लग जाओ, अल्लाह तुम पर ज़िल्लत मुकर्रर कर दे और जिहाद को अगर तर्क कर दे, मतलब तुम जिहाद, अल्लाह ताला तुम पर ज़िल्लत मुकर्रर करेगा। पूछा कब तक? हुज़ूर फरमाते हैं हत्ता इज़ा रजअतुम इलैह, जब तक कि तुम वापस अपनी उसी चीज को उठा न लो जिस चीज से तुम अपने दीन से निकले थे। आज हुकूमत वक्त या दूसरे लोग भी मेरी बातों को सख्ती से लेते हैं। ऐ मेरे अज़ीज़ों, आज हमारे तमाम हालात हिंदुस्तान के हमारे सामने हैं, जुल्म पर जुल्म होते चले गए और हम खामोशी इख्तियार करते गए। आज ये हालात हैं। इकबाल ने बहुत पहले कहा था, इकबाल ने बस आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंद में सजदे की इजाज़त है तो यानी मुसलमान ये समझता है कि मेरा दीन आसान। ऐसा नहीं है मेरे अज़ीज़ों, हमारे बच्चे जो कत्ल हुए मॉब लिंचिंग में मर गए, याद रखना जंगे तबोक जिसमें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 900 किलोमीटर चल करके गए थे, किस बुनियाद पर? एक सहाबी को बाज़िंदगी लोगों ने कत्ल कर दिया था जो मेरे आका के एलची थे, मेरे आका के पैगाम ले जाने वाले, उन बाज़िंदगियों ने मारा था तो मेरे आका ने पूरे मदीने को लेकर ये पैगाम दिया था, तुमने एक को नहीं कत्ल किया, पूरे इस्लाम को तुमने हिलाया। ये हमारा इतिहास था। आज यही चीज मैं आपके सीनों में डालना चाहता हूँ। क्या तुम उस वक्त तक इंतजार करोगे जब तक तुम्हारे घर में चिंगारी ना आता, जब तक तुम्हारे घर में आना ना आता? आज सिर्फ ये बेदारी के बारे में मैंने कहा, उठो मगर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना छाल अपनी चल गया। इकबाल कहता है कुर्बत इश्क से हर पस्त को वाला कर दे, दहर में नाम मोहम्मद से उजाला कर दे, और मेरे नबी से अगर तुम वफा करोगे, वफा करोगे, गद्दारी नहीं करोगे तो रब का ये फरमान है कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम दे रहे हैं, ये जहां जीत है या लाहो कलम दे रहे हैं, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे उनसे फिरे जहां फिरा फिर आई कहीं वखार में, और मेरा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी कहता है फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। बरेली वालों को तो इमाम अहले सुन्नत का ये मैसेज हमेशा याद होना चाहिए, हम किसी और की गली के
कुत्ते नहीं बन सकते, इसलिए कि हमारे इमाम ने कहा है उस गदी का गदा हूँ जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, उसमें लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं। आला हजरत ने हमें ये मैसेज दिया, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान हो गया, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया है मुसलमान। और सब कुछ हमें जो मिला है वो रसूल के लिए मिला है, उन्हीं की रजा के लिए मिला है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।